हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो गांव की वोट लिस्ट है या फिर किसी भी गांव की वोट लिस्ट को आप आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं खुद से। तो जानकारी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गाँव की या अपने किसी आसपास के गांव की भी जो अगर आपको वोट लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। पहले आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है CEO हरियाणा। जब आप ये यहां पे लिखेंगे और सर्च करेंगे तो जो सबसे ऊपर जो लिंक आएगा ये देखिए CEO हरियाणा, आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का जो ये लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप ये लिंक ओपन कर लेंगे तो जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ आपको नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेबसाइट इस तरीके से खुलेगी और आपको इसमें फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट में ये कई सारे यहाँ पर लिंक खुल रहे हैं, हाईलाइट होके आ रहे हैं जो मैं माउस ओवर कर रहा हूं। यहां पे आपको वोटर कॉर्नर में जाना है और वोटर कॉर्नर में जाने के बाद में यहां देखिए फाइनल इलेक्ट्रोलर रोल, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहां पे क्लिक कर देंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो जब ये पेज ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइनल इलेक्ट्रोल रोल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जिस भी गांव के लिए आप अपनी वोट लिस्ट फाइंड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वह गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पे चूज कर लेना है। यहां पे मैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आपको असेंबली यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं हथीन सेलेक्ट कर लेता हूं, जो आपकी असेंबली है वो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जब आप यहां पे असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पोलिंग स्टेशन जो है, ये देखिए पोलिंग स्टेशन, ये आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। यहां पे मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सेक्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेक्शन नंबर देखिए जो भी आपका सेक्शन नंबर है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ये कैप्चा जो आप लिख यहाँ देख रहे हैं इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ये लिखा हुआ है केस सेंसिटिव होता है, जो स्मॉल में है उसे स्मॉल में लिखना है और जो कैपिटल लेटर्स में है उसे कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ गेट रोल पर क्लिक करना है। जब आप गेट रोल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड PDF, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो आपके लिस्ट है यहाँ पे डाउनलोड होके आपको दिखाई दे जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये पूरी लिस्ट जो है डाउनलोड होके आ गई है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा निर्वाचन नामावली, देखिए हरियाणा जो आपका, यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फर्स्ट पेज पर। और जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे और किसी का भी नाम इसमें आप चेक कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप किसी भी गांव की वोट लिस्ट हरियाणा में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।